नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना युवा साथी अर्जुनलाल कुमावत और आप देख रहे हैं कुबेर टैंक रिपेयर सर्विस। दोस्तों, टंकी रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो तो मैंने आपको काफ़ी सारे पहले बताए हैं और आपने काफ़ी सपोर्ट भी कराया हमको, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो है टंकी क्लीनिंग। टंकी की सफाई हम कैसे करें, घर पे ही कैसे करें और किन चीज़ों के द्वारा करें, तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो हमको चाहिए होता है वो चाहिए होता है, एक तो ये अपने को कपड़ा चाहिए होता है और एक डिब्बा अपने को ये चाहिए होता है और एक ये बाल्टी। ये तीन चीज़ के द्वारा हम टंकी की क्लीनिंग करते हैं। तो कैसे करेंगे और टंकी के अंदर जाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से टंकी के अंदर जाना चाहिए। आओ देखिए दोस्तों, ये जो होता है ये टंकी का पॉकेट, इसको बोलते हैं, एक ये पॉकेट होता है, एक ये पॉकेट और ये चार टंकी के टॉप पॉकेट होते हैं, चार जो ऊपर के चारों कोनों पे बने होते हैं, और इससे बोलते हैं अपन टेपर वाला हिस्सा। तो अपन टंकी के अंदर जाते हैं तो इस टेपर वाले हिस्से के ऊपर हमको पाँव नहीं रखना चाहिए, ना इसके हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि इसे हाथ लगाएंगे तो देखिए ये दबता है, दबेगा अपना वजन इस पर पड़ेगा तो ये टूट जाएगा। तो इससे बढ़िया होता है कि अपना जो ये होता है ये दोनों हाथ ऐसे पॉकेट पे रखना है और फिर अपने को उसके ऊपर चढ़ना होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ टंकी के अंदर क्या स्थिति है, आप देखिए एक बार। ये देखिए आप, टंकी के अंदर थोड़ा गंदगी है, मिट्टी जमी हुई है और पानी भी थोड़ा मटमेला सा हो रखा है। तो ये किस प्रकार से होगा वो अभी हम करने वाले हैं, अभी बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार से इसके अंदर हम जाएंगे। टंकी में हम कैसे घुसेंगे, तो इसका आप देखिए तरीका, बिल्कुल आसानी से हल्के हाथ से अपने को इसके अंदर घुसना है। ये दोनों हाथ यहाँ रखने हैं और यूँ चढ़ जाना है अपने, ये पॉकेट के ऊपर रखना है अपने को और यूँ चढ़ जाना है। ये यूँ अपने को टंकी के अंदर चला जाना है। ये थोड़ा इसलिए झुका है क्योंकि यहाँ से टंकी टूटा हुआ है, इसलिए से ये अंदर चला गया। और अभी आप ये हम इसके अंदर आ जाएंगे, बाल्टी दो, ये इसके अंदर यूँ अपने को बैठना होता है। और अभी ये बाल्टी हम ले लेंगे, कपड़ा दो, ये मगा भी लो, मगा ये कपड़ा भी लो, ये पोछा अपन ने ले लिया, इसमें थोड़ा ऊपर से दिखो, ये अपने को डिब्बा भरना है और ये अपने को ये जो अपना जग है वो जग ये पानी भरने के काम में आएगा, तो ऐसे अपन इस जग से पानी भर लेंगे। कम पानी में ये बाल्टी डूबता नहीं है, इसलिए जग से अपने को पानी भरना होता है। ये अपन इसी को भर लेंगे और ये पानी जो है इसको घोल लेंगे, इसको ये मिट्टी जो है पानी के अंदर घुल जाएगी। और अपने को जो ये कपड़ा होता है, ये कपड़ा देखिए, ये गीला करके इसकी जो बाल होती है वो बाल पे अपने को यूँ साफ करना होता है, तो इसके ऊपर जो गंदगी जमी हुई है वो गंदगी इसकी निकल जाएगी। ये देखिए अपने को इस प्रकार से कर लेना है, सारे में ये ऐसा करना है, अपने को पोछा मार देना है इसके कपड़े से। ये देखिए ये हो गया, और ये पानी निकाल के अभी फिर अपन इसको वॉश कर लेंगे। ये देखिए अभी ये बाल्टी हम बाहर पकड़ा देंगे, ये भैया लेना, ये देखिए टंकी के भीतर इतना गंदा पानी ये आ रहा है, ये बाल्टी में आप देख सकते हैं, भैया लेना, इतना गंदा पानी आ रहा है, ये देखिए छोटू आ जाने, बोले भी दिखाओ, इस पानी को आप ऐसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। बाहर यदि आपके फ्लोर पे गंदगी जमी है तो उसके ऊपर इस पानी को डाल के आप पोछा लगा सकते हैं बाहर भी। देखिए ये पूरा अपन ने घोल लिया है, मिट्टी को पूरा घुला लिया है इसने, और ये घुला के अपन ने इसको बाल्टी में इसमें डाल रहे हैं पानी को हम। ये देखिए आप, बहुत गंदा पानी है इसके अंदर, ये देखिए अच्छे से साफ इसको करना चाहिए टंकी को।
काफी लोग होते हैं क्लीनिंग करने वाले टंकियां जो इसको मशीन के द्वारा साफ करते हैं, इसमें केमिकल लगा के साफ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य पे थोड़ा बुरा असर पड़ता है, बीमारियां होने का खतरा होता है। तो अपने को नेचुरल तरीके से ही अपने को टंकी क्लीनिंग करनी चाहिए, अपने को खुद ही कर लेना चाहिए घर के अंदर। ये चीजें अपने को आसानी से मिल जाती है, घर में कोई दिक्कत नहीं, बाल्टी मिल जाएगी, जग भी मिल जाएगा, और ये अपने को जो कपड़ा है वो भी मिल जाएगा, साथ ही हम बीमार होने से भी बच सकते हैं। कम कर बाल्टी दादा भाई, ये देखिए कितना गंदा पानी है इसमें। दोस्तों अपना जो पानी होता है, देखिए ये अपना आउटलेट कनेक्शन है, तो यहाँ तक का पानी तो अपने वैसे ही पाइप के द्वारा अपन यूज कर लेते हैं, अपने किचन में चला जाता है, लेट बाथ में चला जाता है, जहाँ भी नीचे अपने को जरूरत होती है तो इसके द्वारा तो ये पानी निकल जाता है। अब अपने को जरूरत होती है टंकी क्लीनिंग के लिए कि इसके नीचे का पानी अपन खाली करें, तो ये बाल्टी वगैरह ऐसे हो ही जाएगा। और इसके अलावा भी ये लास्ट में देखिए ये पानी बच रहा है, तो ये जग में इसमें भी नहीं आएगा, तो इसके लिए फिर अपने को ये जो कपड़ा जो है ना ये वाला पोछा, तो ये अपने को काम आएगा। इसमें आपको यूं लेना है, यूं करेंगे और इस पानी को यूं निकालेंगे अपन। ये निकालने से ये सारा का जो सारा पानी है बिल्कुल बाहर आ जाएगा और ये टंकी बिल्कुल सूख जाएगी। ये देखिए आराम से बिल्कुल नचो नचो के इसको ले लेंगे, ये इसको साफ कर लेंगे। देखो इस पोछे के अंदर ये पानी जो नीचे वाला है पूरा आ जाता है इसमें और सारा का सारा साफ हो जाता है पानी। ये देखिए और आप देख रहे हैं बिल्कुल जो इसका फर्श है बिल्कुल क्लीन होने को है। अभी ये पानी जैसे ही निकालेंगे ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा इसका पोछा, ये जो पेंदा है इसका। दोस्तों पूरा पानी खाली होने के बाद में अपने को इस पोछे को यूं चौड़ा करना है, यूं फैला लेना है इसको यूं, और इसके बाद में अपने को यूं ये देखिए अपन इसको यूं मारना है तो पेंदे में। ये देखिए आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लीन हो गई है टंकी, साफ सफाई हो गई है, बिल्कुल नेचुरल टंकी साफ हुई है, किसी प्रकार का कोई केमिकल इसमें नहीं लगा है, किसी प्रकार का कोई साबुन नहीं लगाया, कोई शैम्पू नहीं लगाया, सिर्फ इस पोछे बाल्टी और जग के द्वारा अपन ने ये टंकी साफ कर ली है। ये देखिए टंकी क्लीनिंग संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि बढ़िया लगा है जैसा भी लगा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप मुझे अवश्य दें, हौसला बढ़ाएं नया नया वीडियो लेके आने के लिए, और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है वो भी आप दबा लें, जो हमारे नए वीडियो हैं वो आप तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद।